तो सबसे पहले बात करते हैं लव जैक्सन की, सॉरी लव जे एक्शन की। भाई जब ये वेब सीरीज देखने के लिए बैठा तो देखने के बाद जब खत्म किया तो मेरे माइंड में बस जैक्सन ही था। चलो इस वेब सीरीज की स्टोरी की बात कर लेते हैं। ट्रेलर जितना धमाकेदार लग स्टार्टिंग में उतना ही बुरा लग रहा था, क्योंकि जो कहानी जो थी ना वो बहुत ही नॉर्मल सी और बहुत ही पिद्दी सी चल रही थी, और उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखना मतलब ऐसा लग रहा था कि अब एक्सपेक्टेशन अगर रखा तो पाप है भाई। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरा एपिसोड खत्म किया और उसके बाद से जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया, वो ट्विस्ट एंड टर्न देखने के बाद से दिमाग हिल गया। उसके बाद से ऐसा लगा कि कहानी जो है RX 100 की तरफ में मुड़ रही है। देखो यार, स्टोरी ये रहती है कि जैक्सन तिवारी नाम का एक लड़का रहता है जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और उस लड़की का नाम कामिया होता है। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद दोनों एक साथ भागते हैं। भागने के बाद जो है अकेला जैक्सन पकड़ा जाता है, और जैक्सन जब पकड़ा जाता है तो पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ और ही कहानी बता रहा होता है। वो ये नहीं बता रहा होता है कि उसके साथ क्या होता है, लेकिन काफी ठोकम पिटी होने के बाद में वो बताता है कि एग्जैक्टली उसके साथ में क्या हुआ है। स्टोरी देखा जाए तो बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सी रहती है, जो कि हर लव स्टोरी के अंदर में होता है। हाँ, बीच में थोड़ा सा हॉटनेस बहुत ही हाई लेवल का दिखाया गया है बिकॉज ऑफ दैट एक्ट्रेस, यानी कामिया का जो रोल प्ले कर रही है, शी इज लुकिंग टू हॉट। पर जैसे जैसे वेब सीरीज की गहराई में जाना शुरू किया तो समझ में आया कि ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है। जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो कामिया का होने वाला हस्बैंड था। वहीं पे एक जो पतंगा बहुत ही फुदक रहा होता है, जिसको मैंने इससे पहले इट्स माय लाइफ इस गाने के ऊपर मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, जिसमें इनके बाल जो है घास के जैसे बिखरे हुए रहते हैं, और वो यहाँ पे दिखते हैं ओवर एक्टिंग की भरमार के साथ में। लेकिन हाँ, इनकी ये ओवर एक्टिंग मुझे हंसाने के लिए बहुत ज्यादा काफी थी। अब बात करते हैं जैक्सन। जैक्सन कौन है? जैक्सन यूपी का वो लड़का है जिसको आशिकी का भूत सवार है और जिसको जो है हीरो बनने का बहुत बड़ा शौक है, और वो जो है कामिया के साथ प्यार में पड़ जाता है। बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही घुमा फिरा करके स्टोरी दिखाई जाती है। ये तो बातें हो रही थी ये तीन कैरेक्टर के बारे में जो आपके सामने में है। अब चौथा कैरेक्टर का जो एंट्री दिखाया जाता है वो इस कहानी के मिडिल के बाद से दिखाया जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये रहता है कि कामिया जो है जो अपने प्यार का दावा कर घर बार छोड़ करके जैक्सन के साथ भाग आई है, वो अचानक से भाग जाती है किसी और के साथ में। अब जैक्सन जो है बहुत सारी राज को छुपा करके रखा है। राज ये रहता है कि उसे अधमरा हालत में पुल से फेंक दिया जाता है, और उसके बाद से जो है पुलिस वाले उसे पकड़ती है। वैसे इस स्टोरी के अंदर में सबसे दमदार डायलॉग अगर मुझे कुछ लगता है तो वो ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन के पिताश्री के लिखी हुई ये लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली इस वेब सीरीज में इस्तेमाल किया गया है, और इस वेब सीरीज के स्टार्ट के पहले मिनट से लेकर के आखिरी मिनट तक में इस डायलॉग को बहुत ही पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। किस तरीके से वो पुलिस वाला कैरेक्टर जो है दोबारा से कामिया को ढूंढने में सफल हो जाता है, और किस तरह से जो है विक्रांत अपने आप को एक अच्छा आशिक साबित करता है, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी इस वेब सीरीज के अंदर में। लेकिन इसका एंड जो होता है भाई, वो बहुत ही भयानक, बहुत ही दमदार, और यूं मानो कि मेरे साथ कचरा हो गया। कल मैंने देखा था रूही, और उसका भी थंबनेल यही था कि लेस्बियन निकली, और यहाँ पे भी स्टोरी भाई लेस्बियन निकली। भाई मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, और मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप नहीं पकड़ पाओगे जब तक कि आप इस वेब सीरीज के आखिरी मिनट तक को ना देख लो। तो ओवरऑल अगर कही जाए तो आपको स्टार्ट टू एंड में इस स्टोरी में अगर कोई कैरेक्टर आपको बांधे रखेगी वो है जैक्सन और कामिया। इन दोनों का लव स्टोरी बहुत ही दमदार लगता है, और आप एक चीज तो कहोगे कि लड़के प्यार में पूरे छूती हो जाते हैं। यहाँ पे किन किन लोगों का किस तरह से कब और कहाँ कटा है वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और ये कटा है या नहीं कटा है आपको स्टोरी के एंड में पता चलता है। वैसे पूरे स्टोरी में अगर सबसे बड़ा वाला किसी का कटा है तो हमारे जैक्सन भैया के कटे हैं, और ऐसे जैक्सन भैया हमारे इंडिया में ना जाने कितने सारे हैं, और इनकी गिनती खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि वेब सीरीज के एंड तक जो है लड़कियां जैक्सन से प्यार करने लगेगी, और लड़कों को जो है जैक्सन से बहुत ज्यादा हमदर्दी होगी। वैसे मुझे एक चीज और अच्छा लगता है कि जैक्सन की जब फटती है तो वो जा करके मैंगो जूस पीता है, यानी फ्रूटी पीता है, और ऑर्डर किस तरह से देता है वो देखने लायक होता है यार। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये वेब सीरीज वन टाइम वॉच है, आप एक बार देख सकते हो, और आपका देखना जो है व्यक्त नहीं होगा, बस आखिरी सीन जो है पूरा कचरा कर जाएगा। कल से लेकर आज तक यही हो रहा है मेरे साथ, अच्छी खासी मूवी देख रहा होता हूँ, अच्छा खासा वेब सीरीज देख रहा होता हूँ, आखिरी सीन ऐसा होता है जिसमें जाकर के पूरा कचरा फैला देते हैं ये लोग। तो मेरे हिसाब से जो है आपको देखना तो बनता है, और आप जैक्सन की तारीफ किए बिना नहीं रहोगे, और कामिया के प्यार में पड़े बिना बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको कैसा लगा अगर आपने देख लिया तो वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच सोनी लिव। इस बार भी नहीं चुकी है, मुझे लगा था कि इस बार जो है लगता है सोनी लिव चूक जाएगी। हाँ, जैसा स्टोरी चल रहा था, पर जैसे ये पिकअप पकड़ती है तो भाई लगता है कि मैं कुछ देख रहा हूँ। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन एंड हस्ता ला विस्ता।